हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को बैटिंग स्टांस, बैट ग्रिप और बैक लिफ्ट के बारे में बताऊंगा। तो फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग इस तरह से लाइन ले लेंगे, इसको हम लोग लेग स्टंप और ये हम लोग का इस तरह से पॉप इंक्रीज हो गया, ठीक है। अभी ये स्टांस में ये दो लाइन का ज़रूरत नहीं है, जो हम लोग का मिड स्टंप और ऑफ स्टंप है, ये लेग स्टंप। हम लोग जब स्टांस लें, बैट रख देता हूँ, जब हम लोग स्टांस लें, दोनों फुट का जो टो है ये इन वन लाइन रहेगा, दोनों पैरों के बीच में शोल्डर विद अपार्ट गैप रहेगा, नी फ्लैस्क रहेगा और एब्डोमेन अंदर के तरफ रहेगा इस तरह से, ठीक है। एब्डोमेन अंदर जाएगा तो हिप ऑटोमेटिकली बाहर जाएगा, सर शोल्डर से लगा हुआ सीधा बॉलर के लाइन में रहेगा इस तरह से। ये हो गया हम लोग का स्टांस पोजिशन, ठीक है। अब हम लोग इस साइड से देखते हैं, ये दोनों फुट का टो वन लाइन में रहेगा, दोनों पैरों के बीच में शोल्डर विद अपार्ट गैप रहेगा, नी फ्लैस्क रहेगा, एब्डोमेन अंदर के तरफ और सर शोल्डर से लग के सीधा बॉलर के लाइन में रहेगा इस तरह से, ठीक है। न सर यहाँ पे रहेगा न ऐसा रहेगा, ठीक है। सर हमेशा शोल्डर के लाइन में सीधा रहेगा, ठीक है, शोल्डर के लाइन में सीधा बॉलर के लाइन में रहेगा। और मेन बैलेंस बॉल्स ऑफ द फिट रहेगा, हमेशा बैलेंस बॉल्स ऑफ द फिट रहेगा, ना टो पे जाना है ना हील पे जाना है, ठीक है। बैलेंस हमेशा बॉल्स ऑफ द फिट रहेगा। ये हो गया हम लोग का स्टांस पोजीशन, ठीक है। अब बैट ग्रिप के बारे में बताएं। बैट ग्रिप हम लोग जब भी बैट ग्रिप लेंगे, ये इसको हम लोग बैट का स्पाइनल कहते हैं, स्पाइन जैसे हम लोग का पीठ का स्पाइन होता है वो स्पाइन, ये आउटर एज, ठीक है। हम लोग के दोनों हाथों के बीच में ये थंब और इंडेक्स फिंगर के हाथों के बीच में ये जॉइंट में, उसको हम लोग भी कहते हैं। ये भी को हम लोग को स्पाइन और आउटर एज के बीच से इस तरह से लेना है, इस तरह से लेना है, ठीक है। या फिर आप लोग ये स्प्लाइस हैंडल के बगल में जो जॉइंट के ठीक बगल में जो होता है स्प्लाइस, आप उससे भी इस तरह से ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से यहाँ से इस तरह से लो। ये आप लोग का हो गया लेफ्ट हैंड का ग्रिप। सेम राइट हैंड का जो भी है वो भी स्पाइन और आउटर एज के बीच में इस तरह से लेना है। अब जो दोनों हाथों का भी है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट इन वन लाइन रहेगा। ये जो भी है, ये लेफ्ट हैंड का भी से ऑलमोस्ट इन वन लाइन रहेगा। बैट का ग्रिप हम लोग बीच में पकड़ते हैं, ना ज़्यादा नीचे ना ज़्यादा ऊपर। ग्रिप में हम लोग का पूरा कंट्रोल टॉप हैंड का होता है, मतलब लेफ्ट हैंड का होता है। लेफ्ट हैंड का ग्रिप फार्म रहेगा, ठीक है, बाकी पूरा हैंड लूज रहेगा, ठीक है। इसमें बैट घूमेगा नहीं, टाइट नहीं पकड़ना है इसको, बस ग्रिप फार्म रहेगा, बाकी पूरा हैंड लूज रहेगा। और राइट हैंड हम लोग का जस्ट सपोर्ट के लिए हम लोग पकड़ते हैं, ठीक है। ये हो गया हम लोग का ग्रिप। अगर ग्रिप में इसमें भी आप लोग को दिक्कत है तो इस तरह से बिट्टी में बैट रख देना है और इस तरह से बैट को पकड़ना है। ये हो गया हम लोग का परफेक्ट ग्रिप, इसमें और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये हम लोग का हो गया परफेक्ट ग्रिप। अब हम लोग आते हैं बैक लिफ्ट में। बैक लिफ्ट में करने से पहले हम लोग पूरा स्टांस पोजीशन में खड़े हो जाएंगे। ये हम लोग का स्टांस पोजीशन हो गया, ठीक है। बैट हम लोग का राइट फुट के पीछे रहेगा इस तरह से, ठीक है। जब हम लोग बैट इस तरह से रखेंगे तो हम लोग का बैट का फेस फ्रंट फुट, मतलब लेफ्ट फुट के तरफ रहेगा। ये जो हम लोग का फेस है ये फ्रंट फुट के तरफ रहेगा इस तरह से, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, इस तरह से हो गया। अब जो हम लोग का ग्रिप था, ग्रिप हम लोग पकड़ लिए। अब बैक लिफ्ट जब करेंगे तो हम लोग का बैट उठ के राइट थाई के ऊपर आएगा, ठीक है। ये राइट थाई के ऊपर, ठीक है, राइट थाई के ऊपर रहेगा। बॉडी से जस्ट, ये जो टी शर्ट से जस्ट ग्लव्स है टच रहेगा, ऐसा नहीं कि ऐसा करना है, ठीक है, जस्ट टच रहेगा। और हम लोग का बैट का फेस जो है मिडिल सेकेंड स्लिप और कीपर के बीच में रहेगा, इधर भी नहीं जाना है और ज़्यादा बाहर भी नहीं, दोनों के बीच में रहेगा। ये हो गया हम लोग का ग्रिप। अब जब बहुत सारे प्लेयर को मैंने देखा, जब वो लोग ग्रिप उठाते तो इस तरह से करते रहते हैं, तो इस तरह से करना नहीं है कभी भी। इस तरह से करने से क्या होता है कि जो पावर है, हाथ का पावर है, वो अप एंड डाउन होता रहता है। तो जब हम लोग बॉल खेलते या बॉल को ड्राइव मारते या डिफेंस करते हैं तो हम लोग का क्या होता है कि उस टाइम पावर अप एंड डाउन होने के कारण बैट घूम जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। जब आपने ग्रिप उठा लिया, बैक लिफ्ट उठा लिया, तो ये फिक्स रहेगा जब तक कि वो बॉल कंप्लीट ना हो जाए, चाहे वो कीपर के पास जाए या फिर आपने शॉट कंप्लीट किया तब।
जब तक कि शॉट कंप्लीट ना हो जाए या फिर वो डिलीवरी कंप्लीट ना हो जाए, तब तक आप लोग को, आपको एक बार जो बैट लिफ्ट उठा दिया तो और चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का बैक लिफ्ट वन। जब हम लोग बैक लिफ्ट उठाएंगे तो ये जो हम लोग का लेफ्ट एल्बो है, मतलब फ्रंट एल्बो, ऑलमोस्ट पैरेलल टू द ग्राउंड रहेगा, ठीक है, पैरेलल टू द ग्राउंड रहेगा। और इसमें कुछ भी चेंज नहीं होना, ऐसा नहीं है कि बैक लिफ्ट उठाया, ठीक है, तो ये नी है ऐसा स्ट्रेट हो गया या ज़्यादा बेंट हो गया, ऐसा नहीं है। नी सब कुछ स्टांस का सेम रहेगा, सिर्फ इसमें बैट उठेगा वन, बस वन। जब हम लोग बैक लिफ्ट उठाएंगे तो ये जो हम लोग का राइट हैंड है, राइट हैंड अभी भी जस्ट सपोर्ट के लिए रहेगा, और राइट हैंड ये बॉडी को टच नहीं करेगा, ये इस तरह से बाहर रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा, इस तरह से लगेगा नहीं। इसका कारण ये है कि जब हम लोग खेलते हैं तो ये एक तो ब्लॉक कर देता है कि हम लोग को शॉट में जाने नहीं देता, और दूसरा चीज़ ये होता है कि ये इस तरह से लगने से क्या होता है कि हम लोग का राइट हैंड जो होता है वो बैट को टानना शुरू कर देता है बॉडी के तरफ, ठीक है। तो इसलिए ये इस तरह से बाहर रहेगा, तो हम लोग को कोई भी शॉट खेलने में परेशानी नहीं होगा। ये तो ऐसे क्या होता है कि हम लोग का जो राइट हैंड तब ज़्यादा चलने लगता है, राइट हैंड ज़्यादा होता है, जबकि क्रिकेट में सबसे पूरा कंट्रोल किसी भी शॉट में टॉप हैंड का होता है। पावर हम लोग यूज़ करते हैं इम्पैक्ट के टाइम में, तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो मेरी वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करें। अच्छा लगने से प्लीज़ लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।